एक बारी के लिए कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन इंडिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। जैसे आप सुरेश चौहान के कोई ले लो, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज के मालिक हैं वो ट्वीट करके लिखते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सहित किसी भी खेल का हम विरोध करते थे, करते रहेंगे, इसलिए सुदर्शन न्यूज पर आज एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है उसके बारे में कोई रिपोर्ट या कोई अपडेट नहीं दिखाई जाएगी सुदर्शन न्यूज पे। इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, इन्हें हर चीज में हिंदू मुसलमान या फिर इंडिया पाकिस्तान दिखने लग जाता है। अरे भाई खेल में तो छोड़ दो कम से कम। अभी आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया था, और जब पत्रकारों ने नीरज चोपड़ा की माँ से पूछा कि भाई पाकिस्तान वाले को हरा के ये गोल्ड मेडल जीता है, तो उनकी माँ ने क्या कहा आप सबने सुना ही होगा। मैं बता देता हूँ, उनकी माँ ने बोला कि भाई पाकिस्तान का खिलाड़ी जीते या इंडिया का खिलाड़ी जीते, खेल में तो हार जीत लगी रहती है, पाकिस्तान का भी जीता तो मुझे खुशी होती। मतलब खेल को खेल की तरह देखना चाहिए ना, उसमें भी जबरदस्ती का हिंदू मुसलमान या फिर इंडिया पाकिस्तान घुसेड़ देना कहाँ तक सही है भाई। सुदर्शन न्यूज वाले इतने दोगले लोग हैं। अभी आपने सुना होगा ना दिल्ली में शिवलिंग वाला एक विवाद आया था कि शिवलिंग के फब्बारे जैसी एक आकृति ऐसी बना दी थी। ये सभी सुदर्शन न्यूज वाले आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी की एक लीडर हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है, उनको टैग करने लगे, बोलने लगे अरे ये शिवजी का अपमान कर दिया तुम लोगों ने। लेकिन जब बाद में सच्चाई पता चली कि दिल्ली के उपराज्यपाल के दिशा निर्देश में वो सब कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है शिवलिंग वाला, ये सबके सब लोग शांत हो गए, बिल्कुल शांत। हो नहीं जाता कि चूहा बिल में घुस जाता है, उसको कोई आवाज़ नहीं करता, वैसे ही हालत हो गई थी इन लोगों की। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में कि सुदर्शन न्यूज़ का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के चरणों में बैठा रहता है, और सुदर्शन न्यूज़ वाले अपनी करामातों की वजह से उस पार्टी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो पार्टी सुदर्शन न्यूज़ को फ़ायदा पहुँचाती है। अल्टीमेटली वो पार्टी है कौन, आपको अगर पता है तो कमेंट में लिख के मुझे बता देना। और इंडिया पाकिस्तान के इस मैच में जबरदस्ती का इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल घुसेड़ देना किस हद तक सही है, कहाँ तक सही है, आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में लिख के जरूर बताना।